वेरी गुड मॉर्निंग नोएडा एरिया में मेरा दूसरा दिन। और कल रात को मैं सोचा था कि वीडियो एंड करूँगा पर कर नहीं पाया, मतलब यहाँ के लोगों से बात करते करते कब रात हो गया और फिर मैं सो गया, पता ही नहीं चला। ये देखो यहाँ से गिलहरी आई है, तो डर नहीं, पर हमारे इंडिया वाले गिलहरी इतने नज़दीक नहीं आते। तो कल वाले वीडियो के साथ ही इसको भी कंटिन्यू करते। सुबह सुबह का मौसम जो है बहुत ही ठंडा वाला था, मैं करीब करीब 6-6:30 बजे उठ गया था। यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर पैदल निकलेंगे, 2-3 किलोमीटर का ही है। एक वाटरफॉल है, एक टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और शायद एक लिटिल इंग्लैंड बोल के कुछ है। तो ये 3 स्पॉट हम देखने की कोशिश करेंगे और फिर वापस आके निकलेंगे नानुआ स्टेशन के लिए। वहाँ से ट्रेन लेके हम जाएंगे इला की तरफ। वैसे यहाँ का चाय जो है ना वो इंडिया की तरह ही है, मुझे लगा था कि थोड़ा अलग फ्लेवर होगा पर वैसा नहीं है। हालांकि मैं ये पहली बार पी रहा हूँ चाय, आज चौथा दिन है मेरा श्रीलंका में, इससे पहले मैं कॉफ़ी पी रहा था। हालांकि ये आपका मतलब टी बैग है, टी बैग का क्वालिटी मेरे को उतना अच्छा लगता नहीं है, जो कि वो लूज वाला थोड़ा अच्छा होता है, वो आपका पत्ती वाला। लेट्स सी व्हाट व्हाट्स माय एक्सपीरियंस। यू हैड ब्रेकफास्ट? यस सर। ओके, मॉर्निंग। तो भाई साहब मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूँ जो सुबह सुबह निकलने वाला हूँ, तो मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी लोग भी निकलेंगे, मतलब अपने अपने डेस्टिनेशन में। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं निकलेंगे। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। यह है हमारा ब्रेकफास्ट, कुछ ब्रेड ऑमलेट और बनाना और टी के साथ, और ब्रेड के साथ आप जैम लगा सकते हो और बटर भी है। मैप में जो रास्ता दिखा रहा था वो रास्ता गाड़ियों के लिए है, ये एक शॉर्टकट रास्ता है पर काफ़ी ऊंचा है। ठंडा था सुबह सुबह तो मैंने अंदर भी एक ना मोटी सी टी शर्ट पहनी हुई है, मेरे को लग रहा है उसे अभी खोलना पड़ेगा। लोकल्स ने बताया कि इधर से चले जाओ, वाटरफॉल मिल जाएगा, जाते हैं। पर आगे का रास्ता बहुत खड़ा ही है यार, नज़ारा लेकिन मस्त है यार, सब छोटे छोटे घर, सब छोटे छोटे जगहों पे ना गार्डनिंग किया हुआ है, मस्त है, अच्छा है। भाई साहब रास्ता तो यहाँ से दी एंड हो गया है और आगे से सीढ़ियाँ शुरू हो रही है। शॉर्टकट लेना भारी तो नहीं पड़ रहा है मेरे लिए? पानी का आवाज़ भी कहीं से नहीं आ रहा है, अकेला हूँ, जंगल के अंदर से जा रहा हूँ। भाई साहब काफ़ी डरावना रास्ता लग रहा है। कितना दूर है पता नहीं, अभी इतनी दूर आ गए हैं वापस जाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाते हैं थोड़ा। वो पीछे अंकल जा रहे हैं ना, उनसे मैंने पूछा कि सेफ ना, बोलता है कि यस, 200 मीटर्स बता रहे हैं यहाँ से। फॉल्स कहाँ है यार? यहाँ फॉल्स तो नहीं है, बस एक डैम की तरह बना हुआ है, पानी आके यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और शायद ये शहर में जा रहा है फिल्टर होके कहीं से, पर यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। कहाँ आ गया मैं? ये फॉल्स थोड़ी है। अरे यार फॉल्स तो ऊपर है पर पिक्चर में तो कहीं कुछ और तरीके से फॉल्स दिखाया गया है। यहाँ से एक बार जाऊँ चढ़ के देखूँ। तो ये है कुछ फॉल्स मेरे ख्याल से, अब इससे ऊपर तो जाने का रास्ता है नहीं। जो गाड़ियाँ उस तरफ से जा रही है शायद ऊपर का कुछ नज़ारा दिखाएंगे। वो आपको दिख रहा है ऊपर का फॉल्स जो मैं पीछे से दिखाया था? वो रहा, ऊपर से पानी आ रही है, वही पानी यहाँ से एक डाइवर्शन लेके यहाँ कलेक्ट हो रहा है। क्या किया जाए अब, इतना ऊपर आने के बाद अब थोड़ी हम दूसरा रास्ता ले लेने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए फॉल्स यही है,
अब बाकी आगे के डेस्टिनेशन पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या होता है। पेड़ यहाँ का ना कांटेदार है। ओए चलते हैं, नज़ारा भी उतना कुछ खास नहीं है। वो दिख रहा है आपको फॉल्स, वो है मेन फॉल्स। इसका कोई दूसरा रास्ता है, ज़रूर है। गाड़ियाँ ना उस तरफ से जा रही थी। देखता हूँ, नीचे चलते हैं और पूछते हैं फिर। एक्सक्यूज़ मी ब्रो, इज़ देयर एनी अदर रूट टू द फॉल्स? बिकॉज दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रूट, बिकॉज आई हैव सीन इट इन द फोटोज, द व्यू इज़ अ बिट डिफरेंट। दिस गोइंग, हाँ दिस दिस इज़ गोइंग, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रूट। Is this the actual route? Yes. But I've seen in the photos the falls look like like this one, like this only. But the view this is not. This no. Huh? This one no. This I've been to the last point. You yes, know? Last point. But the view is not so good. No. Okay, that is the fall. The yes, this. Okay, that okay, is okay. Fall. And the vehicles are going on that way. That way going. That way going. Norelli. Noara Elia, and this way? This way, Hawa Elia. Hawa Elia, and if I wish to go like in Pedro T? Pedro T, this one go. Huh? Yes. This way, na? Yes. Okay, okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay, तो falls भाई साहब वही था। मैंने फोटो में कुछ और देखा था, मतलब गूगल फोटो में नहीं देखा था मैं उनके, मतलब हॉस्टल में ना एक स्टिकर बना हुआ, मतलब एक मैप बना हुआ था, तो मैप में कुछ फोटो वैसे दिख रहा था, तो मैं वो वाला व्यू एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ठीक है, फॉल्स यही था और मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। अब यही था हमारा पहला पॉइंट और अब जा रहे हैं पेड्रो टी। पेड्रो टी क्या है ना, पेड्रो टी एक टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी है कि नहीं पता नहीं है, वहाँ पर टी मैन्युफैक्चर होता है और शायद लोग वहाँ पर जाके देखते हैं या फिर चाय वाय थोड़ा टेस्ट करते हैं, मेरे को एक्चुअली पता नहीं है। बस पॉइंट है, हम जा रहे हैं देखने के लिए और ऑलरेडी सुबह के 9 बज चुके हैं। एक पॉइंट देखने में ही एक घंटा लग गया। और आज ना मेरे साथ वो टर्किश लेडी है लिबिया, तो उसको भी मेरे साथ आने का था, पर वो 8 बजे तक मैं उसका इंतज़ार किया पर वो उठी नहीं। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके निकल गया, पर मैं एक जुगाड़ करने वाला हूँ कि वो ना हॉस्टल से ऑटो करने वाली है नानुआ स्टेशन तक, जहाँ से हम एला के लिए बस लेने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ ही मैं ऑटो में चला जाऊँ, अगर वैसा हो तो हाफ पैसा दे दूँ उनको भी, तो उससे क्या होगा ना कि लेट नहीं होगा हमारे लिए। तो पेड्रो टी विच वे, दिस वे, हाँ दिस वे, ओके थैंक यू। तो चलते हैं, ठीक है पेड्रो टी में चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे और फिर जल्दी से वापस आने की कोशिश करेंगे। यार पेड्रो टी यहाँ से और 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। अभी बज रहे हैं 9, तो 9 बजे अभी अगर मैं पेड्रो टी की ओर चलना शुरू करूँ ना तो मुझे 9:30 तो करीब बज ही जाएंगे। फिर रास्ते में थोड़ा रुकेंगे, पानी पियेंगे, मतलब थोड़ा अपहिल भी होगा है ना, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। अगर पेड्रो टी में जाते हैं तो 9:30 बजे हम पहुँचेंगे, 9:30 से ज़्यादा ही लगेगा। तो फिर वहाँ से वापस आके 11:30 या 11:45 बजे शायद मेरा नुआरा एलिया सॉरी वो नानुआ से ट्रेन है, तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो यहाँ से ना मैं अपना डिसीजन थोड़ा बदलता हूँ, मैं एक ही डेस्टिनेशन रखता हूँ अपने लिए आज के लिए। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, यहाँ से जल्दी से जाते हैं और फिर सामान वामान लेके स्टेशन की ओर निकलते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रेन लेट हो गया ना तो फिर उसके बाद वाला ट्रेन काफ़ी लेट है, तो इसीलिए तो पेड्रो टी को हम इस बार के लिए छोड़ते हैं और अगली बार लेंगे, क्योंकि नानुआ से एला तक का जो ट्रेन जर्नी है वो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वो काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी मतलब वो वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है वो ट्रेन जर्नी। तो हम लोग वहाँ जाते हैं और ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं नानुआ से एला का जो ट्रेन जर्नी है वो दिखाने वाला हूँ, और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ये नुआरा एलिया का स्पेशली वीडियो था, मतलब नुआरा एलिया में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। एक है पेड्रो टी, अगर आप हो सकता है तो वो उसमें भी जा सकते हो, पर मैंने नहीं किया टाइम के शॉर्टेज की वजह से। आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं और बहुत जल्द मुलाकात होगी कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। तो भाई साहब मुझे
लग रहा था। अरे वाह, देखो पहला नज़ारा फॉल्स का। और वाटरफॉल देखने के बाद थोड़ा मतलब काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, तो ठीक है, वैसा बोलना ठीक नहीं लगता। आई वेट फॉर यू अंटिल 8 o'clock एंड देन आई लीव। आई थिंक आई लेफ्ट माय रूम एट 8:10। हाउ वाज इट? No, the waterfall is, I'm not satisfied that much, you know. Yeah. At the picture, there was something different. Mm-hmm. And the waterfall is that far away. And you have to see from here and that not a clear view at it all. It looks really like thin. Right? Very thin, very thin, you know. And I left Pedro T because it's already 9:30. Yeah. So I have to catch train. Yeah. So what's your plan? I think I'll just walk around, but I also don't think that waterfall is really worth it to see. So I was expecting a bit more from the waterfall or the sightseeing. Some people apparently just they climbed up. So the the Korean lady, she was saying that her friend, the older guy, he actually climbed up. And Korean lady actually swam and stuff. So maybe if you have time, you just chill. Okay. So you need some extra equipment also, no? So exactly. You have to... if you just go and see, I think there is nothing. So I'll just see and check and see what's more.